नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें पुलवामा हमले के बाद देश में कई जगह कश्मीरियों को पीटने और धमकाने की घटना शुरू हुई है। आतंकी हमले के विरोध में रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इतने में वहां के लोगों के अंदर आक्रोश तो था ही, तभी उसकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी आबिद हुसैन एक दिन पहले ही कश्मीर से दिल्ली वापस आया है और घटना के समय वो नशे में था। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के सोलन में देश के खिलाफ बोलने के आरोप में एक कश्मीरी स्टूडेंट और बेंगलुरु में स्कूल टीचर को अरेस्ट किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि जयपुर में भी एक यूनिवर्सिटी ने राष्ट्र विरोधी व्हाट्सएप मैसेज भेजने के आरोप में 4 कश्मीरी लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अगर देखा जाए तो सच है, हमारे देश में रहकर पाकिस्तान को जिंदाबाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का हमारे देश में रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का इससे भी ज़्यादा दंड देना चाहिए ताकि फिर कभी हमारे देश के साथ गद्दारी नहीं कर सके। धन्यवाद।